Hope you all are doing well, and today's video gonna be about creativity or artwork with some waste material. So यहाँ पे मैंने कुछ waste material का use किया है जो कि ये clay pot है as you can see in the video. और इसके जो plants हैं वो भी मैंने यहाँ पे transparent file की sheet से बनाए हैं जो कि मेरे पास बिल्कुल waste पड़ी हुई थी काफ़ी time से. और आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर इस क्ले पॉट पे मैं वाइट कलर का कोटिंग कर रही हूँ. और आप चाहो तो इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हो जैसो, जो कि कलर को बैलेंस करने में हेल्प करता है और प्राइमर का काम करता है. सो अभी बहुत सारे लोगों को लगेगा यहाँ पे सारा कुछ तो वेस्ट मटेरियल नहीं है. यस, बिल्कुल करेक्ट बात है, यहाँ पे सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल में नहीं आती है. बट जो हमारा बेसिक जो बेस होता है वो ही वेस्ट मटेरियल होता है. और वेस्ट मटेरियल को एक अच्छा सुंदर और क्रिएटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है जिससे वो अच्छा दिखे और उसकी ब्यूटी इन्हेंस हो सके. सो हम यहाँ पर कलर्स, फेविकॉल और बहुत सारे डेकोरेटिव प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट बनके रेडी हो वो अच्छा दिखे और वो कबाड़ से निकल कर कहीं बाहर अच्छी जगह उसे डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जा सके. सो एज़ आई टोल्ड यू कि मैंने कलरिंग से पहले यहाँ पर जैसो का कोट नहीं, मैंने वाइट कलर अप्लाई किया था. आप चाहो तो जैसो का कोट अप्लाई कर सकते हो जो कि आपके कलर को बैलेंस करता है. और यहाँ पे जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो एक्रेलिक कलर्स है. आप चाहो तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो. तो मेरे पास ये वाले कलर्स हैं एक्रेलिक के, तो मैं ये वाले यूज़ कर रही हूँ. इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है, ये काफ़ी टाइम तक टिके भी रहते हैं. तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसमें डिज़ाइन बनाकर इसे एक प्लांटर में कन्वर्ट करूँगी. पेंटिंग करने के यहाँ पर 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो कि फर्स्ट है आपका जेसो, सेकंड है आपका कलरिंग एंड थर्ड है आपका वॉर्निश. तो ये तीनों ही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप अपनी अच्छी पेंटिंग को बनाए रखना चाहते हो लॉन्ग लास्टिंग. और जेसो का काम होता है कि आपको एक अच्छा बेस बना के रेडी करके देता है जिससे कि आपके कलर्स जो हैं वो अच्छे से बैलेंस होकर अच्छे से प्रोडक्ट पर दिखें. जो भी मटेरियल आपने यूज़ किया है पेंटिंग के लिए उस पर वो अच्छे से क्लियर दिखें. एंड द लास्ट इज़ आपका जो वॉर्निश होता है वो पेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, उसमें शाइन लेकर आता है और वो पेंट कभी जल्दी छूटेगा नहीं, इसलिए हम वॉर्निश का यूज़ करते हैं. आप चाहो तो जेसो और वॉर्निश को दोनों को ही आप घर पे भी बना के ट्राई कर सकते हो. बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे जिससे कि आप यूज़ करके आप घर पे ही ये दोनों चीज़ें रेडी करके आप कलरिंग कर सकते हो और पेंटिंग भी कर सकते हो. आती है अब यहाँ पर प्लांटिंग की. तो प्लांटिंग के लिए हमें चाहिए थे प्लांट्स जो कि मैं यहाँ पर पुरानी फाइल्स की ये ट्रांसपेरेंट फाइल्स की शीट्स हैं. ये अक्सर लोगों के घर पे मिल जाती है, इजीली अवेलेबल होती है. कुछ पुरानी हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, नहीं भी तो आप चाहो तो अपने जो कलरफुल पेपर्स होते हैं उससे भी प्लांट्स बना सकते हो. डजंट मैटर, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट वो आपके पास भी अवेलेबल हो जाए. तो आप नॉर्मल पेपर से, क्रे पेपर से या कैसे भी पेपर से आप प्लांट्स बना सकते हो, लीव्स बना सकते हो, फ्लावर्स बना सकते हो. मैंने यहाँ पर यूज़ किया है जो भी मेरे पास था, आप जो भी यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो. पेंटिंग करने से पहले मैंने बेस पे एक न्यूज़ पेपर रख लिया है जिससे कि बेस ख़राब ना हो मेरा बिल्कुल और मुझे मम्मी से बिल्कुल डांट ना खानी पड़े. और यहाँ पे मैं यहाँ पर येलो कलर का थोड़ा थोड़ा शेड कर रही हूँ जिससे कि जो लीव्स हैं वो बहुत अच्छी दिखें. उसके बाद यहाँ पर मैं स्टेम भी इसकी बनाऊँगी. स्टेम के लिए मैंने ये पुरानी एक मेरे पास चॉकलेट का बुके था जिसमें मुझे ये मिल गई थी और इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर दिया है लीव्स के बैक साइड पे और ये कुछ ऐसा दिख रहा था. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट. बाय बाय, टेक केयर.